अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम भाई अपने घर वापस आ गए लॉस एंजलिस में। अब हमने कहा कि यहाँ पे भी आपको जो है दुनिया घूमा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी दूर दूर गए, लेकिन हमने आपको लोकल चीज़ें नहीं दिखाई यहाँ पे लॉस एंजलिस की। तो अब हमने नया सिलसिला शुरू किया है, सारी हम जो है वो एक एक दो दो जगह लोकल मार्केट में जाएंगे, लोकल बाज़ारों में जाएंगे, लॉस एंजलिस को पूरा आपको डीप डाउन इनसाइड हर चीज़ लॉस एंजलिस का अच्छा बुरा सब दिखाएंगे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं डाउनटाउन लॉस एंजल। मुंह में कुछ आ गया है, क्या करें, तो बोलना नहीं जा रहा था, वो मैंने छड़िया खाई है तो इलायची का बाल आ गया था। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं डाउनटाउन लॉस एंजल्स, ग्रैंड सेंट्रल मार्केट। बहुत पुरानी मार्केट है, काफ़ी मेरे ख्याल 100 साल पुरानी मार्केट है। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मसला सिर्फ हमारे साथ ये है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह हलाल था, यहाँ पर हलाल कुछ नहीं है। तो हम खाना दिखाएंगे आपको, लेकिन आपको खिला नहीं सकते क्योंकि हलाल नहीं है। कोशिश करेंगे अगर कोई मैक्सिकन फूड टाको, फिश टाको वगैरह मिल गए तो वो खाएंगे, तो बताएंगे आपको कैसा है। तो चलिए हमारे साथ स्टे ट्यून, आपको लेके चलते हैं डाउनटाउन लॉस एंजलिस ग्रैंड सेंट्रल मार्केट, वहाँ जाके मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये देखें जी, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया एलए में। इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई चोट नहीं लगी। बस पीछे से पुलिस आएगी, रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे और फिर इंश्योरेंस एक्सचेंज करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, गाड़ियाँ इंश्योरेंस के थ्रू सही करा लेंगे। ये देखें जी, ये पुलिस अकेडमी है यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है वो देखें, इसका इनका वो खड़ा हुआ है स्कॉट वालों का, इंगलवुड पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स का ट्रक है यहाँ पर। और ये सब पुलिस एकेडमी है, यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। तो साइन नज़र नहीं आ रहा मैं पुलिस एकेडमी का, मैं थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, लॉस एंजलिस पुलिस एकेडमी। तो ये अक्सर फिल्मों में आप देखते हैं, वहाँ पे पुलिस एकेडमी दिखाते हैं लॉस एंजलिस की, वो ये वो जगह है। तो चलें ठीक है, आगे निकलते हैं फिर और भी दिखाएंगे। ये देखिए जी, हमने यहाँ से अब दोबारा पुलिस एकेडमी के साथ से फ्रीवे ले लिया, और फ्रीवे हम इसलिए नहीं ले रहे थे कि देखें हमने काफ़ी सारा ट्रैफिक था पीछे, तो पुलिस एकेडमी से आ गए थे। देखें अब दोबारा हम फ्रीवे पे चढ़े हैं हाईवे पे, और देखें कितना ट्रैफिक आ गया है यहाँ। बस अब यहाँ पर गाड़ियाँ रुकनी शुरू हो जाएंगी, हालाँकि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना, 2-4 मील जाना है, लेकिन अब ये कि फंसना पड़ेगा ट्रैफिक में, क्या कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये बहुत पुरानी ट्रेन है लॉस एंजलिस की, बहुत ही पुरानी है ये। मेरे ख्याल से ये बंद हो गई थी, फिर दोबारा चलनी शुरू हो गई यहाँ से लेके ऑल द वे आपको ऊपर लेके जाएगी। बस दो ही ट्रेनें चलती हैं, एक ऊपर ले जाएगी आपको और ऊपर से एक जो है वो नीचे लेके आ जाएगी। अभी हम जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड सेंट्रल मार्केट, वहाँ जाके कुछ खाना वगैरह का देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस ट्रेन में भी आपको बैठेंगे और दिखाएंगे आपको। देखें ये कैसे आपस में क्रॉस हो रही है, ये देखें क्रॉस हो गई, ये क्रॉस हो गई, ये एक चली गई ऊपर, ये नीचे आ गई, ये देखें कैसे टर्न बना रही है, ये आ गई नीचे। ये देखें ये नीचे आ गई एक, और वो वाली जो है वो ऊपर चली गई। तो बस ये एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट तक लेके जाते हैं। ये जो है ना बीच में बंद हो गया था, इसको ख़त्म कर दिया था, इसकी भी हिस्ट्री है मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। और ये अब दोबारा शुरू किया है क्योंकि बहुत पुराना, ये लॉस एंजलिस की आइकॉनिक ट्रेन थी, तो उन्होंने दोबारा शुरू की है। बस ये ऊपर नीचे लेके जाती है, ऊपर ही आपको कैलिफोर्निया मार्ट ले जाएगी, वो सॉरी कैलिफोर्निया मार्ट नहीं, कैलिफोर्निया ट्विन टावर, ये दो एक टावर है, दोनों एक जैसे हैं। ये देखें एक ये रहा, ये ट्विन टावर हैं कहलाते हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया के, और ये ऊपर लेके जाती हैं। ऊपर इसमें जापनीज कॉन्सुलेट वगैरह भी है, अगर आपको जापान की वीज़ा वगैरह चाहिए तो आप जो है इनमें जाके आउट ले सकते हैं। देखिए ये आगे नीचे, ये देखें जी लास्ट कार जो है इसकी 10 बजे चल बंद हो जाती है, गेट लॉक व्हेन रेड लाइट इज ऑन, नो पेट्स अलाउड। और ये इस तरह जो है, और अभी तक इन्होंने जो है ना बस इसको ट्रेडिशन जारी किया हुआ है इसका, इसका रेट उन्होंने सिर्फ $1 रखा हुआ है, पे एट द टॉप $1 विद टैप कार्ड 56। और जी हमने आपको पुरानी आइकॉनिक ट्रेन तो दिखा दी, और हम जहाँ पे आए हैं उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल मार्केट, ये भी बहुत पुरानी मार्केट है। तो आए देखें, ये रही सामने ग्रैंड सेंट्रल मार्केट,
चलें आपको अंदर से दिखाते हैं ग्रैंड सेंट्रल मार्केट। ये काफ़ी पुरानी फूड बाज़ार है एक तरह से, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती थी पहले, अब जो है अच्छे खासे रेस्टोरेंट बन गए और बहुत लोग अपना जो डाउनटाउन में काम करते हैं लंच आवर में यहाँ पे आके बैठ के खाना वाना खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। हम लोग भी जैसे कोई दूर रहता है तो चलो भाई थोड़े चेंज के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक नया एटमोसफियर मिलता है। बहुत सारी दुकानें चाइनीज़ मैक्सिकन वगैरह आपको हर किसी में खाना मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हलाल कुछ नहीं होता। तो हम तो खाली आपको मार्केट दिखाएंगे, फिर हम कोई ढूंढेंगे हलाल मार्केट और फिर हलाल फूड सेंटर और वहाँ जाके फिर ख़ुद खाना खाएंगे। लेकिन हमने कहा अच्छी दुकानें होती हैं यहाँ पे, अच्छा पुराना बहुत सेटअप है, काफ़ी पुरानी है ये जगह, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए। चले आपको देखें, हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आपके साथ इसको शेयर करते हैं। ठीक है जी, ओल्ड फैशन नियॉन लाइट अभी तक साइन बोर्ड बनाए हैं, हालांकि अब डिजिटल एज में हर जगह डिजिटल साइन बोर्ड है, लेकिन अभी तक पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से सारी नियॉन लाइट्स यहाँ पे लगा दी। ये देखिए मुख्तलिफ स्टोर है यहाँ पे, ये कैंडी का स्टोर है, यहाँ पे हर किस्म की जो है वो कैंडी या चॉकलेट या टॉफ़ी या जैली बीन्स वगैरह आपको मिलती हैं, वर्म्स के कीड़े जैसे बनी हुई होती हैं बहुत सारी। तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करें, एक यूनिकनेस है एले की ये भी। ये देखें मेक्सिको की एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, जैसे पाकिस्तान में पापोला वगैरह होती है, इसका नाम है हरीतोस। ये जे को स्पेनिश में जो है वो हे पढ़ते हैं, तो हरीतोस यहाँ पे इन्होंने इसका स्टोर बनाया है और पूरी दीवार में सारी इसकी बोतलें वगैरह लगाई हुई, इन्होंने बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अंदर उन्होंने थोड़ा सा लाइट का डिस्प्ले किया हुआ है, चलो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। लेकिन बहुत मज़ेदार होती है, इसमें एक फ्लेवर होता है इनका, वो होता है इमली का, वो बिल्कुल लगता है कि इमली का पानी पी रहे हैं आप, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की होती है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो दिखाऊँगा मैं फ्लेवर का। ये देखिए ये ऑयस्टर्स हैं, सीपियाँ इसके अंदर से जो है ना ये निकाल निकाल के खाते हैं, और सी ऑर्चन से ये सब। ठीक है भाई, लग रहा है कि हलीम खोल रहा है, पता नहीं बना क्या रहा है हमको। ये देखिए जी, नारी का गोश्त बीफ शैंक। ये देखें ये डोनट शॉप है, कितने हज़ार किस्म के डोनट डिफरेंट फ्लेवर्स, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमने कहा आपको डोनट शॉप भी दिखाएं, यहाँ पे डोनट शॉप इस तरह की होती है यहाँ पे, और डोनट इनका जो है वो एक तरह से मिठाई की दुकान होती है यहाँ पे। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टोर बना हुए लोगों ने, ज्वेलरी शॉप वगैरह, क्योंकि अभी क्रिसमस का सीज़न चल रहा था अमेरिका में, तो उसमें ये कि लोग अपने अपने स्टॉल लगाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, कपड़ों के, क्लोदिंग के। और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे आपको जो है वो सारी क्रिसमस की डेकोरेशंस वगैरह नज़र आएंगी, लाइटें वगैरह और सारे ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि अभी इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। तो वो जो है जब पूरा अमेरिका सजाया हुआ होता है, हर जगह जहाँ भी जाएँ आप कोई ना कोई आपको जो है वो सजी हुई जगह मिलती है। चले नीचे जाके दिखाते हैं, इन्होंने यहाँ पे कपड़े वगैरह ही बेच रहे हैं और पूरा छोटा सा विंटर वंडरलैंड इन्होंने बनाया हुआ है, कारपेट लगा के और ट्रीज़ वगैरह और गिफ्ट वगैरह सजा के। तो मैंने कहा चले ये भी आपसे शेयर करें कि यहाँ पे जो है वो क्रिसमस के वक्त पे किस तरह की सारी डेकोरेशन वगैरह होती हैं। हर जगह बहुत खूबसूरत खूबसूरत सजाया हुआ था, छोटा छोटा बनाया हुआ था बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आएँ, फैमिलीज आएँ, इन्जॉय करें आके। तो चले ये भी एक नया एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चले जी, हम ग्रैंड सेंट्रल मार्केट से निकल गए डाउनटाउन में अपने लिए कुछ हलाल खाने की तलाश में।
तो चलें ढूंढते हैं कुछ हलाल मिल गया, हो सकता है दो तीन ऑप्शन मिल रही थी यहाँ पे, मेरे ख़्याल से हलाल गाइस भी मिल रहा है शायद, डेफ हार्ट चिकन भी मिल रहा है, तो देखते हैं करीब में कौन सा है, तो वहाँ चलते हैं फिर अपना। काफ़ी शाम हो रही है, भूख भी लग रही है, तो खाना वाना खाते हैं वहाँ का भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इसको जर्नी को अपने कंटिन्यू रखेंगे। तो जब तक के लिए हमारे साथ रहें, और अगर आप इस तक व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलें खाने की जगह चल के मिलते हैं आपसे। ये देखें जी, लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के दो ऑफिसर भी जो है वो मेरे ख्याल से ब्रेक ले रहे हैं, लंच ब्रेक, ये भी खाने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहीं पे ये भी जाएंगे, खाना खाएंगे। तो चलें इनको दिखाते हैं कि ये जब खाना लेंगे अपने पैसे देंगे या नहीं देंगे। पाकिस्तान में तो पुलिस वाले से फ्री में ले लेते हैं, तो चलें इनके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, डेफ और चिकन ये वहीं जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि अब ये खाने की पेमेंट करेंगे, इनसे पेमेंट लेंगे या नहीं लेंगे। तो चले देखें कैसे बनाएंगे इनके पीछे खड़े होके, और फिर देखते हैं इनके सारे एक्शंस। हाँ जी, ग्रैंड सेंट्रल मार्केट में खाना हलाल कुछ भी नहीं मिला, तो अल्टीमेटली हमको डे फास्ट से खाना पड़ गया। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने पुलिस वाले की बनाई है, उसने जो है दोनों ने अपने पैसे दिए यहाँ पे खाने के। अब ये कि अगर हमारा मुल्क होता, हमारे पुलिस वाले भाई होते, कहते किस चीज़ के पैसे भी खदमत कर रहे हैं आपकी, इतना तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि कुछ हमारे खाना ही का कुछ कर लें। पहरा देते हैं यहाँ पे, राउंड लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसने खाना ऑर्डर किया, उसने अपना कार्ड टैप किया, पेमेंट भी, और खाना लेके चले गए। तो देखें, अल्लाह करे कि हम लोग मुसलमान मुल्क में रहते हैं, अल्लाह ताला हम करे कि हमको भी हिदायत हो, और हम लोग भी जो है वो इस तरह के काम करें कि किसी से कोई एहसान ना लें, कोई रिश्वत ना लें, और अपने पैसे पहुँचें। तो चलो ठीक है, बस भूख बहुत लग रही है, क्योंकि हफ्ता को मैं स्कूल से डायरेक्ट लाया था, आपकी तबीयत भी अच्छी हो रही है भूख से। तो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जाएंगे ग्रैंड सेंट्रल मार्केट, और वहाँ पे आपको व्यू करेंगे, ऊपर ट्रेन में ही बैठेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। तो चलें फिर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जब तक के लिए फिर मुलाकात होती है। हाँ जी, बस हमारा ऑर्डर मैसअप कर दिया उन्होंने आज, बहुत देर लगी खाने में। तो हमने चिकन स्ट्रिप्स मंगाई है मीडियम और हॉट, ये हॉट है, ये मीडियम है, और प्राइस अभी आएगी, प्राइस के भी ऑर्डर मैसअप कर दिया उन्होंने। तो भूख बहुत लग रही थी, सारा दिन गुजर गया, हमने कहा खाना खाएँ, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। चलो जी, शाम शुरू हो गई, मगरिब का टाइम हो रहा है। देखें बिल्डिंगों के रंग जो है वो धूप ख़त्म होने के बाद चेंज हो गए। मैंने दिखाया था कैलिफोर्निया टावर ब्लू कलर के थे, अब ये बिल्कुल ब्लैक और ग्रे जैसे होने लग गए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सुबह से लेकर शाम तक का भी आपको डाउन टाउन का व्यू दिखाएँ, और थोड़ा सा और आपको इन्जॉय कराते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो स्टे ट्यून, अभी हमें ट्रेन पर भी जाना है, ट्रेन से ऊपर नीचे की राइड लेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। तो अभी तक अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। हाँ जी, हम ये कैलिफोर्निया ट्विन टावर के ऊपर आ गए, हमने आपको थोड़ी देर पहले ट्रेन दिखाई थी जो नीचे से ऊपर आ रही थी, हम वहाँ ऊपर पहुँच गए, अब यहाँ से हम ट्रेन से नीचे चले जाएंगे। तो देखिए ये डाउनटाउन देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है, ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग, US बैंक बिल्डिंग टावर। ये लॉस एंजल्स की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है हमेशा से, इसके 63 स्टोरीज हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर जलजले बहुत आते हैं, तो इन्होंने मैक्स आउट कर दिया, इससे बड़ी बिल्डिंग बन नहीं सकती। तो ये अभी तक सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो US बैंक टावर है। ये पहले कैलिफोर्निया टावर एक ही टावर था, ये पहले, फिर उन्होंने दोबारा बनाया, ट्विन टावर कर दिया, ये दो टावर बन गए। हाँ जी, देखें हम ऊपर आ गए, यहाँ पर जो है अब हम यहाँ से जो है वो जाएंगे, ट्रेन लेंगे। देखें मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ना, ये ट्रेन की बिल्डिंग है, यहाँ से नीचे लेके जाएगी आपको। तो चलें आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, देखें ये वही जगह लॉस एंजल्स फ्लाइट रेलवे, पहले हमने नीचे दिखा था, ये ऊपर आ गए, ऊपर का बूथ बना, यहाँ से हम टिकट लेके अभी नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे, वहीं सामने ग्रैंड सेंट्रल मार्केट आ जाएगी, और फिर नीचे जाके वापस ऊपर आएंगे, और फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। ऑलराइट गाइस, देखें ये हमने ट्रेन का टिकट ले लिया, लॉस एंजल्स फ्लाइट के हमने टिकट लिए 3, और हमने राउंड ट्रिप लिया जाने का भी और आने का भी। तो चले आए नीचे लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, बहुत पुरानी ट्रेन है ये, ओल्ड दिस ट्रेन है।
बैठ जाऊं यहीं पर। बिस्मिल्लाह आगे आना। देखिए जी ये ट्रेन मैंने पूछा वो कह रही है 1901 की 1901 की ट्रेन है ये और अभी तक ऑपरेशन में अभी तक चल रही है। जगह पर क्रॉस करेगी वो शुक्र आ गया भी आराम से। देखिए 1901 से यार मुझे हैरत हो रही है अभी तक ऑपरेशन में माशाल्लाह बहुत मेंटेन करके रखते हैं चीजों को उन्होंने। देखिए 1901 से अभी तक चला रहे हैं 100 साल से मेरे ख्याल 122 साल हो गए इस चीज को और अभी तक करिए सारी पुरानी तस्वीरें लगी हुई है इसके अंदर। वेरी नाइस सर, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के ऊपर से हम नीचे हैं तो जब भी अले हैं तो $1 का टिकट आने का $1 जाने का $2 में ये फन आपको जो है हमेशा याद रहेगा जरूर कीजिएगा। गाइस आज सारा दिन हमने आपको डाउनटाउन एलए की चीज़ें दिखाई। ग्रैंड सेंट्रल मार्केट बहुत मशहूर है, देखें लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ पे आ जाते हैं ये देखने के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, घूमे फिरे खाया पिया, ट्रेन से नीचे आए थे अब हम ट्रेन में बैठ गए ऊपर जाने के लिए और अब जो है हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू इंशाल्लाह एट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।